आज का वीडियो बहुत ही अच्छा है मेरे प्रियजनों, अपना समय निकाल के इस वीडियो को ध्यान से देख लेना। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद कर देगा मेरे प्रियजनों। याद करो मेरे प्रियजनों, आज लोग सेक्स वीडियो देखते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाते रहते हैं। मेरे प्रियजनों ज़रा सोच के देखो, जब हम कोई पाप करते हैं, व्यभिचार करते हैं, गलत काम करते हैं, तो हमारे अंदर जो परमेश्वर का आत्मा बैठा है ना मेरे प्रियजनों, वो शोकित हो जाता है। जो हम पाप करते हैं, व्यभिचार करते हैं, अपने शरीर को सुख देने के चक्कर में हम गलत काम कर देते हैं, व्यभिचार कर देते हैं मेरे प्रियजनों, तो परमेश्वर की आत्मा शोकित हो जाती है। उस समय परमेश्वर रोता है, उस समय रोता रहता है, चिल्लाता है, प्रभु क्योंकि हम गलत काम करके परमेश्वर को शोकित ना करें। मेरे प्रियजनों, बहुत सारे लोग आज सेक्स वीडियो देखते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाते हैं। कब तक आप सेक्स वीडियो देखते रहोगे? कब तक गुप्त रीति से दूसरों का नंगापन देखते रहोगे? क्या इसीलिए यीशु मसीह ने कोड़े खाए, अपना लहू बहाया कि तुम जाकर रात में गलत काम करो, लड़कियों से बात करो, गंदे वीडियो देखो? क्या इसीलिए यीशु मसीह ने आपके लहू बहाया, कोड़े खाए, मार खाई, बेइज्जती सहा, दुख सहा, दर्द सहा, अपने हाथों में केले ठुकवा लिए, मुँह पर थुकवा लिया, कांटों का ताज पहन लिया? खुशी खुशी यीशु मसीह ने कांटों का ताज अपने ऊपर रखवा लिया, पहन लिया, सिर्फ हम सभी के खाते। फिर भी आप लोग पाप कर रहे हो, सेक्स वीडियो देख रहे हो, गलत काम कर रहे हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना रहे हो। याद रखना, जिस रीति से आप दूसरों का नंगापन देखते हैं, उसी प्रकार से परमेश्वर आपको मसीह विरोधी के दिन में नंगा करेगा और आपको नाग आग में नंगा ही डालेगा। तब आपके दिमाग की सारी गर्मी निकल जाएगी। उस समय उसने अपने हाथों पैरों में कीले ठुकवाए हैं। अरे एक कांटा चुभ जाता है हमारे पैरों में तो कितना दर्द होता है, अरे कितना दर्द होता है, अरे नहीं सह पाओगे वहाँ की दर्द, छोड़ दो, बंद कर दो खिलवाड़। कब तक खिलवाड़ करते रहोगे? यीशु मसीह आने वाले हैं। गलत काम मत करो, व्यभिचार मत करो, सेक्स वीडियो मत देखो, गलत काम मत करो। मेरे प्रिय, बाइबल बताती है यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट डाल। डुंडा होकर, अंधा होकर, लंगड़ा होकर यदि तू जीवन में जाना चाहेगा तेरे लिए अच्छा है। तू तेरे दो आँख भी हैं, पैर रहते हुए तू नरक में डाला जाएगा तो उससे तुझे क्या लाभ होगा? मेरे प्रियजनों, हमारा जो गलत काम है, यदि आप हाथों से गलत काम करते, हस्त में धुन करते, कुछ भी ऐसा काम कर रहे हो, तो याद रखना परमेश्वर के पास आइए और घुटने टेक के बोल दो कि प्रभु मुझसे गुनाह हो गया, पाप हो गया। बहुत सारे लोग रोते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, बोलते रहते हैं, प्रभु मेरे जीवन में दुख है, तकलीफ है, समस्याएं हैं, तंगी है, परेशानी है, गरीबी है, मैं हर संडे चर्च भी जाता हूँ, रोज़ बाइबल भी पढ़ता हूँ, मैं इतना गरीब क्यों हूँ, मैं इतना दुखी क्यों हूँ, तकलीफ में क्यों रहता हूँ, मेरे सामने वाला अच्छे से रहता है, जो प्रभु पे विश्वास नहीं करते हैं वे कितना खुश रहते हैं। अगर आपके जो ऐसे कुछ लक्षण हैं तो वीडियो पूरा देखना। यदि आप ऐसा सोचते हो तो अपना जीवन देखो, सोच कर देखो आपके अंदर कौन सा पाप भरा हुआ है, कौन सी बुराई है, सोच कर देखो, अपना हर एक दिन जांच के देखो कि मुझसे कोई पाप तो नहीं हो रहा है, कोई मुझसे गुनाह तो नहीं हो रहा है। क्या पैसे ही बोल रहे हो, प्रभु मेरी प्रार्थना नहीं सुनता है, प्रभु मेरी प्रार्थना नहीं सुनता है? अपना हर एक दिन जांचो, जो आज गए हैं मरकर, जो कल गए हैं मरकर, मेरे प्रियजनों वे दुआ कर रहे हैं, काश कोई यहाँ ना आए, मेरा परिवार यहाँ ना आए, मेरे घर के लोग यहाँ ना आए। जिस प्रकार से धनवान तड़प रहा है, एक बूंद प्यास के कारण जीभ में जीभ तड़प रही है, उस नरक की आग में जो व्यक्ति उस नरक में जाएगा वो तो एक जीभ प्यास के कारण आएगा, इतना तबाही उसके अंदर मची होगी। जो लोग मुंह से गालियां देते हैं, गंदी बातें बोलते रहते, अपने माता पिता को गालियां देते रहते, भाइयों को गालियां देते रहते हैं, उनके अंदर प्रेम नहीं है, तो मैं आपके लिए कुछ वचन पढ़ना चाहता हूं, जैसा मत्ती 12:36 वचन में लिखा हुआ है। और मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो मनुष्य निकम्मी बातें कहेंगे वे न्याय के दिन हर एक बात का लिखा देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों ही के कारण दोषी और अपनी बातों ही के कारण निर्दोषी ठहराया जाएगा। मेरे प्रियजन, यदि आप कोई मुँह से गालियाँ बक रहे हो, पाप कर रहे हो, गर्लफ्रेंड से अपने माता पिता को गालियाँ दे रहे हो, याद रखना प्रभु एक दिन सबका न्याय करेगा और न्याय के अनुसार सबका न्याय करेगा, और वही न्याय करके, वही शरीर पहना के प्रभु वही न्याय करके नरक में डालेगा, जहाँ की आग नहीं बुझती है, जहाँ के कीड़े नहीं मरते हैं। याद करो,
मेरे प्रिजनों, यदि आप पाप करते वे विचार करते, अरे उन दर्दों को महसूस करो, उन चेलों के दर्दों को महसूस करो। यूहन्ना को तेल में तला गया, पतरस को उल्टा लटकाया गया, यूहन्ना तेल में तला गया, थोमा को भालों से बेदा, थोमा भारत आया था प्रचार करने, थोमा को भारत वालों ने भालों से बेद के मार डाला। इतना दर्द उन लोगों ने सहा, इतना दर्द सहा, अरे छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो गंदी लते और लौटो परमेश्वर के पास। इनके दर्दों को महसूस करो मेरे भाई, महसूस करो महसूस करो। कब तक सेक्स वीडियो देखते रहोगे, कब तक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाते रहोगे, कब तक गलत काम करते रहोगे, कब तक सेक्स वीडियो देखते रहोगे, कब तक अपने शरीर को सुख देते रहोगे। छोड़ दो, बहुत ले लिया मजा, बहुत ले लिया आनंद, बहुत अपने शरीर को सुख दे लिया, अब तो बस करो। क्यों यीशु को क्रोध दिला रहे, क्यों यीशु को क्रोध दिला रहे हो, क्यों बार बार पाप करके यीशु को क्रूस पे चढ़ा रहे हो, क्यों बार बार पाप करके यीशु को क्रूस पे चढ़ा रहे हो। अरे छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो और लौटाओ लौटाओ, तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएंगे, आपके पापों को क्षमा करेगा परमेश्वर, एक नया जीवन देगा, अरे गुनाहों को माफ़ करेगा। मेरे प्रियो छोड़ दो छोड़ दो। जो नहीं जानते होंगे प्रभु को, जो पाप में मर गए होंगे, वे कहाँ चले होंगे, गए होंगे नर्क में, चले गए होंगे बहुत दूर अधोलोक में चले गए होंगे। मेरे प्रियजनों, जब भी आप जिंदा हो जीवित हो, अपने पापों से मन फिरा लो। मैं फिर से बोल रहा हूँ, समय कम है, अंत निकट है, यीशु मसीह आने वाले हैं, बचा लो। इस वीडियो को शेयर करना अपने मसीह भाइयों के पास। आप सभी को जय मसीह की, गुड लक।